मेरा पूरा इन लॉज का जो खानदान है ना वो आ रहा है। पहले मैं लज़ानिया डालूंगी, फिर उसके बाद वो वाली ना पैटीज डालूंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मानवीर जैन मेरी हेल्प करवा रहे हैं। सारे लोग बातें करे बैठे। नहीं नहीं, मैं तो नहीं चाहती, पूरी तरह थकी। हम लोग अब करने लगे हैं गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू एमन हसन व्लॉग्स। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ। आज है हमारी इफ्तारी की दावत। मेरा पूरा इन लॉज का जो खानदान है ना वो आ रहा है, मेरी इन लॉज की फैमिली आ रही है, ससुराल आ रहा है मेरा, ठीक है, समझ गए हो। खैर, आप लोगों ने कल के व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया होगा। मैंने काफ़ी कुछ बनाना था और बना रही थी और बना रही हूँ, क्योंकि वो व्लॉग एक तरह का कंटिन्यू हुआ है इस व्लॉग में। अभी आप लोगों को मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं बस ब्रेक लेके जा रही हूँ पर शावर वगैरह लेने और फिर आके बाकी काम करूँगी। खैर, तो उसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने और अब मैं आई हूँ तैयार श्यार होके। अच्छा, एक और मेरे साथ सीन हुआ है। मुझे लग रहा था कि आज ना रोज़ा नॉर्मल जैसे होता है ना, 7 बजे खुलना है। वो क्या सीन हुआ कि हमारा जो आयरलैंड का टाइम है ना वो आगे पीछे हो जाता है कभी, मतलब लाइक जैसे 1 घंटा आगे हो गया, 1 घंटा पीछे हो गया, हर मौसम के हिसाब से चेंज होता है। तो मुझे लगा था कि 7 बजे खुलना है, लेकिन वो ना 8 बजे खुलना था। और ये मेरे लिए फ़ायदा हो गया कि मुझे और टाइम मिल गया। अभी 7:10 हो गए हैं, ठीक है, 8 बजे रोज़ा खुलना है, सारा कुछ रेडी है, कोई अभी तक आया नहीं है घर पे। मेहमान अभी आए नहीं है, लेकिन मेरी जो चीज़ें रेडी हैं ना और सारा कुछ सजाया, डेकोरेट जो भी किया, मैं सब कुछ आपको ना अभी पहले बारी बारी दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये छोटा वाला टेबल। इस पर मैंने रखा है शरबत, ठीक है, ये मैंने कॉकटेल्स बना के स्टाइल, कॉकटेल वाला स्टाइल रखा है। कॉकटेल है नहीं, शरबत ही है, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा ज़रा डेकोरेशन अच्छा सा हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ एक्स्ट्रा जो शरबत पड़ा हुआ है, उसके साथ यहाँ पे डिस्पोजेबल प्लेटें वगैरह, कप्स वगैरह, हर चीज़ पड़ी है, कैचअप पड़ी है, ठीक हो गया। अब जो मेन वाला है ना टेबल, वो मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है ना। अभी चीज़ें रहती हैं, रेडी हो रही हैं और रेडी होने वाली हैं, वो भी मैं रख के आप लोगों को सारा एक बार दोबारा दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ। 1, 2, 3 तारा, ये देखिए जी, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। मैंने सोचा था कि जिस दिन मैं इफ्तार की दावत करूँगी ना, ऐसा ही टेबल अपना सेटअप करूंगी। ये देखो भी, अब ये हैं सैंडविच जो मैंने बनाए थे पिछले ब्लॉग में, आपने देखे थे। अब इसका बस मैं रैपर खोल दूंगी क्योंकि टाइम होने वाला है, तो ठीक है, अब ख़राब नहीं होंगे। अभी ये खजूरें हैं जो पिछले ब्लॉग में रेडी की थी, ठीक है, सारा कुछ पिछले ब्लॉग का ही है लेकिन सेटिंग अप की है। खैर, ये रायता है और ये पापड़ी है, ये चना चाट है, ये चना चाट के लिए ही ये पापड़ी है और वो खजूरें पड़ी हैं। अभी सीन ये है कि पैटीज यहाँ पर रेडी पड़ी हुई हैं, ठीक है, बस इसके ऊपर मैंने एग वॉश इसको करना है और इसके ऊपर तेल शील लगा के ना ये जाने हैं ओवन मैंने रेडी कर किया हुआ है, गरम है फुल ऑन। उसके बाद ये जो लज़ानिया है ना, पहले मैं लज़ानिया डालूंगी, फिर उसके बाद वो वाली ना पैटीज डालूंगी। तो उसके बाद ये लज़ानिया पहले डाल के, ठीक है, ये बेक होने वाला है। ये मैंने बनाया है ज़ैनब के लिए, क्योंकि ज़ैनब को ग्लूटेन फ्री अलाउ है, नॉर्मल वाला वो पास्ता रोटी ब्रेड वगैरह ना वो खा नहीं सकती है। तो मुझे हुआ कि वो लज़ानिया पता नहीं खाएगी कि नहीं खाएगी, क्योंकि नॉर्मल वाला लज़ानिया है, तो फिर मैंने उसके लिए ग्लूटेन फ्री, मेरे पास एक पास्ता पड़ा हुआ था, मैं उसके लिए ये बना दिया, ठीक है। अभी मैं देखती हूँ उसके ऊपर शायद इस तरह सा थोड़ा सा ना डेकोरेट इसको कर दूँ मे बी, अगर मेरे पास टाइम हुआ। उसके बाद यहाँ पे चिकन कढ़ाई रेडी पड़ी है, चिकन कोरमा, एक्चुअली दिस इज चिकन कोरमा। उसके बाद यहाँ पे पकोड़े रेडी पड़े हैं, पकोड़ों को एक बार दोबारा से फ्राई करके मैं रेडी कर लूँगी। और यहाँ पे स्प्रिंग रोल का अभी तक मटेरियल बेचारा रुल रहा है इसको मैं सोच रही हूँ कि बस अपना स्प्रिंग रोल मेरे पास है टाइम, तो मैं स्प्रिंग रोल बना लेती हूँ, ठीक है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और यहाँ पर रेडी है फिरनी, जो मैंने परसों रात को बनाई थी। और ये देखो, लास्ट व्लॉग में आपने मुझे देखा तो परसों रात में बैठी बना रही थी फिरनी, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा केसर डाला है और उसके ऊपर बादाम से मैंने इसकी प्रॉपर वाली डेकोरेशन की है। तो अभी ये है सारा खाना और किचन नीट कर दिया था मैंने, कोई खिलारा वलारा नहीं है और चीज़ें सारी रेडी पड़ी हैं। अब ये है कि बस मैं मज़ीद काम शुरू करती हूँ, एग वॉश करने वाला है जो वो करती हूँ, लज़ानिया रखती हूँ और पकोड़े दोबारा रेडी करना शुरू करती हूँ, क्योंकि आधे घंटे पहले मैंने शुरू कर देने हैं।
अब जो काम रह गया ना वो कर लेती हूँ, फिर आपको पूरा एक बार रेडी करके ना टेबल वो भी दिखाऊंगी। A few moments later. अच्छा आप ही लोग आ गए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ये देखो हमने काम बनते हुए तो बेचारी कुछ उठा के ला रही, क्या हाल है? ठीक हो? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप भी? हम ठीक, आप सुनाओ? मैं ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम काम बताओ। शाबाश बेटा, मुझे केसर भी नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं 3:30 ही होने का था, थोड़ी सी लाई थी, तब से पड़ा हुआ है पिछले 2 साल से, यूज ही नहीं किया। ओह माय गॉड, मानवीर जाने मेरी हेल्प करवा रहे हैं। मैं सुबह 10:15 की किचन में हूँ, 10:15 की, और लिटरली वाकई उस टाइम से ही हूँ। मानी कमेंट मुझे देख के लगनी ना, अभी थोड़ी देर पहले तो आती ना 6:15, इतना बुरा हाल था ना मेरा, अभी नहा के आई हूँ मैं त्यार होके। अच्छा मैं असल में 7 बजे के हिसाब से चल रही थी कि 7 बजे रोज़ा खुलना है, मेरे लिए फ़ायदा हो गया ना, फिर मेरे लिए फ़ायदा हो गया। मुझे हुआ कि नहीं, मुझे टाइम बदलने का पता था, मुझे जहन में था कि ये भी आगे हुआ होगा, मुझे लगा उसी टाइम के हिसाब से 7 बजे होगा। हाँ जी, स्विंग स्विंग लेनी है बेटा, बाबा को बोलो, या अभी रुक जाओ खाना खा लेना, फिर गरम था ठीक हो? गरम था ना ये, बस उधर रख गया इसको, थोड़ा सा कर लो एक काम करो, ये उस टाइम का ही बड़े अरसे का, ये अली भाई ने दिया था हमें। अब खा के पता चलेगा कैसा मिस मुस हुआ है। वाओ, कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट फील हो रहा है ना, वो ही मैंने कहा कितना स्मूथली अंदर गया है। हमने ना अपनी नानी चेक करो, हां हां हां, कॉफी का तो फिर तो मुझे भी शायद पसंद आएगा। मानी सर्विंग तेरा मिस, सब लोगों ने खाना खा लिया ऑलमोस्ट, स्टार्टर वगैरह, अभी मेन कोर्स रहता है अभी, ये देखो अभी चिकन कोरमा रहता है और ये मटन आपने जो बनाया ये रहता है, बाकी खाना माशाल्लाह बहुत था, एक्स्ट्रा बन गया था बल्कि। रिएक्शन नाइस है, चले जी गाइज अब बन रही है चाय, खाना वगैरह सबने खा लिया था और नीतबा जी ने इतने मजे मजे की चाय बनाई है, फुल ऑन थकावट हुई हुई है और सब लोग बातें कर रहे हैं बैठ के, फुल ऑन सब लोग को मस्ती चढ़ी हुई, बातें 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 मेरे कभी सारे लोग बातें कर रहे हैं बैठे। नहीं नहीं मैं तो नहीं चाय पी, नहीं मैंने नहीं पी, किसी और को पूछ रहे। हाँ जी आप मुझे किधर ध्यान चले हो चलाक, बर्तन शर्तन मैंने क्लीन अप कर लिए हैं और ये जितना थोड़ा बचा हुआ था सबको बना बना के साथ दे दिया मैंने, और अब बस चाय बनी है, चाय एंजॉय करते हैं, फिर थोड़ी देर में सबने चले जाना है, फिर आराम से रेस्ट करेंगे। अच्छा बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और सारे नीचे बातें शातें कर रहे हैं, मैंने कहा अपडेट दे दूँ आप लोगों को थोड़ी सी, ये देखो कार्टून शार्टून देख रहे हैं। ऊपर आई थी इनके दूध शूट रखे, मैं इनको बोला सो जाते हैं तो कह रही है अभी नहीं सोना हमने, मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, बस अब सारा कुछ हुआ हुआ है, काम शाम समेटे हुए हैं, नीचे बस बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सब लोग फन कर रहे हैं जरा। निकलनी पड़ी आज तारे के पास, वो इमो वाला कॉटेज था दुकान पर आई थी काम के अंदर, जो थक गई है मम्मी, चाट भी उन्होंने खा लिया थोड़ी भी नहीं, सबके बर्तन इतना बड़ा बॉल बना के सुबह से खाना भी नहीं खा रहा, मैं पूरी तरह थकी हुई ना, मैं बस मुझे लगा पांव सूज गए मेरे, वो सबके डिब्बों में खाना भी डाल दिया है, मैं सारा सारा वो भी एक लड़की बैठी हुई है। चले फिर गाइस आंटी लोग जा रहे हैं सारे, ये दो तुंगड़िया कहती हमने नहीं जाना तुम लोग रह लो, मैं तो कहती हूँ सुबह छोड़ाऊंगी नाइट ओवर कर लो, हाँ उसको चोट लग गई
चत के कंटेंट मिल गया। ये आंटी लोग जा रहे हैं। हाँ जी आंटी लोग जा रहे हैं। तुम क्यों नहीं जा रही हो? ये किसी और चक्रों में पुलिस वालों को फोन कर देना। क्यों बच्चे इतना तो नहीं बच्चे रोला डाला हुआ और ये कितना लाउड है सब सब सो गए आंखों में पड़ी है लाइट। मेरी जैकेट रह गई डोर के पीछे। आंटी को ठंड लगी। आंटी को फिर याद आया आंटी ने सोचा मैं जवान नहीं रही अब ठंड है। नहीं नहीं अभी तो मैं जवान हूँ ऐसे बोल आंटी। चलो भी गाइस हम लोग अब करने लगे हैं गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग जो हमें आज मिले हैं। सारी मेहनत का थोड़ा थोड़ा फ़ायदा भी हो गया। ये देखो भाई ये है गिफ्ट हमें आज आंटी लोग लेके आए हैं। और बाकी यहाँ रखे हुए मैंने ये भी है कुछ और ये भी। अभी इस सारों को ओपन करते हैं ओपन और देखते हैं हमें क्या क्या मिला है। नाइस नाइस What happened? कैसी हरकतें कर रही हो? चोट लग गई ये भी एक पड़ा हुआ है। इकट्ठे कर लूं मैं इकट्ठे पहले। क्या चीज अच्छा अभी पहली चीज है हमारे पास आई ये बास्केट की। उसके बाद ये लाइया अनीसबा जी बच्चों के चॉकलेट पहले। ओके पहले चॉकलेट थी और हाँ yeah, पहले कलर कलर घर में किया हुआ है। ये दिया नीज बजी रही है बच्चों के लिए और साथ ओ, कपड़े भी हैं मेरा ये बच्चों का है ये कपड़ा लग रहा है खोल के ईदी लग रही है ईदी नहीं मेरे बच्चों के लिए कह रही थी बच्चों के लाइन में नहीं मेरा ही है मेरा ही है मुझे लगा बच्चों का हाँ बस क्यूट ये देखिए मुझे भी कुछ मिला ड्रेस मिला ड्रेस ईदी मिली ईदी और कितना नाइस है ना पांव तक है इतना असल में सही करती हूँ आपको ब्लॉग बना लेके गजब बेइज्जती है शोधी पड़ी गई हो पांडा पड़े ये मिला जी हमें जार आई थिंक वो है ना जार वाला ग्लास जार नहीं बॉल मतलब वो वही ही वाज ही लग रहा है डब्बे में डब्बा डब्बे में केक वाला साफ हाँ हाँ अंदर से भी कुछ निकला देखने तो दे ये क्या अच्छा पता नहीं क्या है इसमें क्या है वैसे वैसे तो देखे देखे देखे। अच्छा ये देखते क्या है पता नहीं क्या है ये देखिए मैंने ये डाला मेरे साथ में ये डाला ये डाला भाई पता नहीं क्या बन गया इसका मजा आ गया और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह Oh my god! Nice. Oh wow! This can be
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। हमारे बच्चे बहुत खोला डाल देते हैं। ये तो बहुत खिलारा है। खिलारा चेक करो जरा, ले चेक करो जरा, सारा खिलारा मुझे उठाना पड़ना है। अभी तो नहीं उठाऊंगी, सुबह उठाऊंगी। आप ही लोग चले गए हैं, ठंड ठंड है, लेकिन ठंड है सन, मुझे तो ठंड लग रही, कह रहे मजे का। चलो जी, सबने गाड़ियाँ दूर दूर लगाई हुई थी, क्योंकि यहाँ पे मेरी और हसन की गाड़ी खड़ी होती है, तो सब लोग कोई वहाँ लगा देते, कोई वहाँ लगा देते, कोई वहाँ लगा देते, कोई वहाँ लगा देते। चलो भी अब हो गया है इफ्तार दावत फिनिश, और मेरी भी बस एक किस्म की फिनिश ही हुई है। इतनी ज़्यादा थकावट हुई है ना कि मैं बता नहीं सकती। चलो आप ही लोग तो चले गए, मैं चलती हूँ अंदर, हसन को भी सी ऑफ करके आ जाएंगे। गर्मी इस टाइम खिलारा भी बहुत ज़्यादा है, जो मुझे ना अब इरीटेट कर रहा है, बट अभी उठाने का कोई हिम्मत नहीं है, ना कोई टेंशन है और ना कोई इरादा है। तो जो जहाँ पड़ा है ना वही रख के सो जाऊंगी मैं। अभी इसको बस ढक देते हैं चीज़ों को, बाकी उठाएंगे हम लोग सुबह उठ के, क्योंकि हसन ने मुझे पता नहीं सैरी करनी है कि नहीं करनी, और मैंने भी नहीं करनी होगी, क्योंकि बहुत कुछ खाया हुआ है, इतना कुछ खाया हुआ है ना कि जगह ही नहीं है। ये देखो अभी काफ़ी ज़्यादा खिलारा दोबारा डल गया, क्योंकि हमने इफ्तारी के बाद ना खाना भी खाया है, चिकन कढ़ाई जो मैंने बनाई हुई थी, आप भी मटन ले आई, जो मेरी नंद है वो मटन बना के लाई थी, तो इस वजह से अभी भूख छूक तो बिल्कुल नहीं है। बाकी अनबॉक्सिंग भी हो गई और इफ्तार की दावत भी हो गई। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा ये वाला व्लॉग भी। लास्ट व्लॉग भी बड़ा मज़े का था, लेकिन आज का व्लॉग आप लोगों ने ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। अगर व्लॉग पसंद किया ना तो गिव इट अ ह्यूज थम्स अप एंड लाइक और शेयर कर दिया करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।